नंबर वन माने जाते हैं अपनी चार्जशीट सीबीआई की चार्जशीट के अंदर, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उन्हीं के ऊपर आरोप है कि कमरों के अंदर उन्होंने घोटाला किया। तिहाड़ की उगाही का सबको पता ही है क्या हो रहा है, ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हवाला के अंदर इनका मंत्री बंद है, लेकिन ये कट्टर ईमानदार लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बस के अंदर घोटाला कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है ईमानदारी का। लेबर के नाम पर, लेबर के लोगों को पैसे देने के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन कर लिया, लेकिन सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है ऑनेस्टी का, ईमानदारी का। और ये कोई कल पहला आरोप नहीं लगा इनके ऊपर, टिकट फॉर सेल का, भ्रष्टाचार का। अभी याद होगा आपको, तीन दिन पहले इनके अपने एक पार्षद हसीबुल हसन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं टावर के ऊपर, और कहते हैं कि मेरे से पैसे मांगे गए। सीधा सीधा आरोप लगाया। आरोप किस पे लगा? आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। आरोप कौन लगा रहा है? आम आदमी पार्टी का नेता लगा रहा है। कुछ नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। और ये मैं जैसे मैं बोल रहा हूं कि पहली बार इनके ऊपर आरोप नहीं लग रहा, ये मनीष सिसोदिया जी का खुद के ऊपर आरोप है। मनीष सिसोदिया डिमांडेड 10 करोड़ रुपीज फॉर असेंबली पोल टिकट, आम आदमी पार्टी एमएलए एक्सप्लोसिव क्लेम। याद करिए पिछले इलेक्शन के अंदर यही इन्हीं मनीष सिसोदिया के ऊपर जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं उनके ऊपर आरोप था। एक और सबूत है ये, आप मेंबर एलेज सेल फॉर पार्टी टिकट्स फॉर पंजाब पोल्स। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, इनके अपने लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ता कह रहे हैं। उसके बावजूद ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं लोगों को और कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं आज मांग करता हूं, और ये जो सर्टिफिकेट जिसको बांटा जा रहा है वो खुद कोर्ट के द्वारा, राउस एवेन्यू कोर्ट के द्वारा कन्वेक्टेड है। तो बीजेपी नेता हरीश खुराना को आप सुन रहे थे, एमसीडी चुनाव के बीच में किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर अपना विरोध जाहिर करते हुए।